गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। 11th के बड़े सारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखे, कुछ बोरिंग भी था, कुछ इंटरेस्टिंग था। आज से सारे जितने भी टॉपिक स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके इंटरेस्टिंग। हमारे टॉपिक का नाम है आज कैश बुक। हर किसी के बुक में अलग अलग हो सकता है चैप्टर। डीके गोयल में कोई और चैप्टर होगा, इसलिए मैं चैप्टर का नाम नहीं लिख रहा। हम कैश बुक बड़े ही अच्छे से सीखेंगे। आपके एग्जाम में 6 मार्क्स तक का ये आ सकता है और रियल लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा ये कैश बुक। तो हम जो रियल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जहाँ जॉब करने जाओगे आप, कहीं पे भी वहाँ कैश बुक आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा और कैश बुक को एनालिसिस भी करना आना चाहिए। तो हमारा चैप्टर है, और सबसे पहले जो यूट्यूब पे लाइव वीडियो है ये, और मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूंगा कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, कमेंट अगर अभी मुझे करेंगे भी ना तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन पर्पस होता है कि मैं अच्छे से पहले कंटेंट आपको समझा पाऊं, डिलीवर कर पाऊं। आपके अगर मैं फोन ले लूं और फोन लेके मैं आपके पढ़ते रहूं, हाँ दिनेश, हाँ राहुल, हाँ और वैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो उसमें वीडियो का टाइम भी और उसका फायदा क्या हुआ? हम तो यहाँ पे पढ़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और पढ़ेंगे अच्छे से मन लगा के, बस हमारा एक पर्पस है। हाँ आप चैट करिए, हमारी टीम बैठी हुई है, चैट का आपको लाइव चैट का जवाब मिलेगा, हाँ सही है या गलत। बाकी फोन नंबर है, फोन नंबर एक टाइम दे दिया जाता है शेड्यूल, आप अच्छे से बात करिए, आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है ना, क्लास खत्म होने के बाद। तो मैं अभी किसी का भी कमेंट नहीं देखने वाला और ना ही मैं पढ़ने वाला, कोई भी कुछ भी बोलता रहे, मैं अपने पहले कंटेंट के ऊपर फोकस करूंगा, ठीक है। जितने भी पूरे भारत के अंदर हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट हैं जो कि इतना लाइक करते हैं कि सर आपके कहने पे लाइव आना पड़ा मुझे, तो आप सभी को थैंक यू सो मच। और हम अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम को व्यर्थ ना करते हो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आज का टाइम जो निकल गया वो आएगा नहीं वापस, मैं ये सोचता हूँ हमेशा। कैश बुक, कैश बुक के बड़े सारे नाम हैं। कैश बुक का एक नाम है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बोलते हैं। है ना, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बोला जाता है, इनफ्लो आउटफ्लो भी बोल देंगे। बेसिकली 11th में कैश बुक रहता है और वो 12th में रिसिप्ट एंड पेमेंट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, लेकिन मे भी कई बार पूछा जा सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैश बुक में क्या क्या सीखने वाले हम कैश बुक के अंदर मेनली अगर देखा जाए तो दो टॉपिक है इसके अंदर। एक सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है, आप अच्छे से नोट करिएगा। एक है सिंगल कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट, एक है डबल कॉलम, ठीक है ना, डुअल कॉलम बोल लो, टू कॉलम बोल लो, टू कॉलम्स कॉलम कैश बुक। ये दो टॉपिक है, इंक्लूडिंग जीएसटी करेंगे, ठीक है ना, चिंता नहीं करना, इसमें जीएसटी मैं इस बार इनकॉर्पोरेट करूंगा, ठीक है। कई बार कुछ बच्चों का कंप्लेन भी रहता है कि वॉइस, अब स्पेशली मैं पूरा वीडियो को अच्छे से मैंने सारा सिस्टम सेटअप किया है, तो वॉइस की भी मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक की, डबल कॉलम की हम चर्चा बिल्कुल बाद में करेंगे। जब बात चर्चा ही नहीं करनी तो हम अभी क्या करें? सबसे पहले तो हम थीम समझते हैं कि भाई ये चैप्टर बना क्यों, हमारा कैश बुक जो चैप्टर है ये बना क्यों। देखो नाम से ही क्लियर है, कैश बुक यानी कैश का लेन देन जितना भी है, यानी कैश में जो भी प्लस होगा और कैश में जो भी माइनस होगा, उस चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए, उस चीजों से रिलेटेड इसमें ट्रांजेक्शन होगा, जो भी माइनस होगा और जो भी प्लस होगा। मैं कुछ ट्रांजेक्शन आपको बोलता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा कि इसमें कैश बुक माइनस होगा या प्लस होगा। सपोज करो मैंने बोला मैंने रेंट पेड किया, अब ये कैश बुक बिजनेस का है, मैंने रेंट पेड किया, अब बताइए क्या होगा? रेंट पेड करोगे आप तो आपका माइनस होगा कैश, तो कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। मैंने उधार माल खरीदा, अब बताइए, चैलेंज है आपको, उधार माल खरीदा कैश बुक पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं पैसा जाएगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आएगा, नहीं, अगर मैंने उधार माल खरीदा है तो इसका मतलब
मेरे पास कैश का कोई ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कोई पैसा दिया नहीं, कोई पैसा लिया नहीं। तो अगर मैं क्रेडिट पे सामान खरीदूंगा, क्रेडिट्स गुड्स खरीदता हूं अगर मैं, तो फिर इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अगर मैंने कैश में सेल्स किया है, बताइए क्या एंट्री करेंगे? कैश में सेल्स किया है, कोई एंट्री करेंगे क्या? बिल्कुल सर, कैश में सेल्स करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस होगा, तो प्लस हो जाएगा। तो कैश बुक में ऐसे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हम काम करेंगे जिसके अंदर हमारा कैश आएगा या हमारे बिजनेस से कैश जाएगा, उसकी एंट्री को हम कैश बुक में करते हैं। और इसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि हमारे पास लास्ट में एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर कितना कैश का बैलेंस है। जो मेरे पास है हाथ में कैश, क्या वो इससे टैली हो रहा है या नहीं हो रहा? मेरे साथ ना कई बार ऐसी समस्या हुई है, मेरे पास पैसे पड़े हुए, मैंने तो गया कभी, पैसे पड़े हुए मैंने खर्च करता गया करता गया, खर्च करता गया करता गया करता गया, और बाद में मैंने देखा भाई पैसे ही खत्म हो गए यार। अब फिर मैं जोड़ने बैठता हूँ, मिलाने बैठता हूँ, कहे भाई पैसे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, वो चीज सिस्टम रहता है हमारा। तो वो चीज यहाँ पे जब हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे ना, तो वो दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है? तो मैं सिंगल कॉलम की बात करूंगा। सिंगल कॉलम में और डबल कॉलम में फर्क क्या है? यहाँ पे सिर्फ कैश नगद वाले ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बात होगी, और यहाँ पे नगद और चेक वाली दोनों, बैंक वाली दोनों की बातें करेंगे, ठीक है? यही फर्क है बस। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, और जब हम फॉर्मेट लिखेंगे तो और बड़े अच्छे से समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, है ना? तो मैं इसको पूरे को ही मिटा देता हूँ, ये लिख लेना, दो कॉलम है, पहले ही कवर करेंगे, सेकंड पे ही है, जीएसटी में दोनों में ही इंक्लूड करके चलूंगा, ठीक है बच्चों? चलिए फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या रहने वाला है कैश बुक का? सिंपल वही फॉर्मेट रहेगा जो लेजर, ये जो कैश बुक आपने लेजर में बनाया था ना, वही तो है। इट मीन्स आपको आता है कैश बुक, बट करना क्या है मुझे बस बताना है आपको, है ना? बताना है। कमेंट वगैरह मैं बिल्कुल वॉच नहीं करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाए मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। और मैं YouTube पे एक टाइम शेड्यूल करने वाला हूं बहुत जल्दी, 12th क्लास के लिए भी एक मैं टाइम शेड्यूल करूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आउट ऑफ इंडिया जितने भी बच्चे हैं या फिर इंडिया में जितने भी बच्चे हैं सबके लिए रहेगा वो। क्योंकि काफी सारे वीडियो जो है ना मेरी क्लास के, मैंने ऑब्जर्व किया है कि नेपाल से भी बच्चे देखते हैं, तो अच्छी बात है कि मैं उनकी मदद कर पाऊं किसी कारण से पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेट। और यहां लिखेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में कैश बुक, बेसिकली कैश अकाउंट होता है, कैश बुक बोल देंगे, ठीक है? कैश अकाउंट भी बोल सकते हो आप। अब यहाँ पे दो साइड है, एक है हमारा डेबिट का साइड, इस साइड डेबिट होता है हमेशा, और ये वाला जो साइड है हमारा, ये है क्रेडिट का साइड, है ना? हमेशा याद रखना डेबिट वाले साइड से। अब मुझे आप बताइए, जो कैश है, कैश हमारे लिए क्या है? एसेट। और एसेट्स का साइड क्या होता है बताइए? डेबिट। अब बताइए इसको प्लस किन से साइड से होगा? डेबिट साइड से। और माइनस करेंगे तो साइड क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यानी इस साइड से हमेशा प्लस होगा और इस साइड से हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। प्लस का मतलब पैसा रिसीव करना, वो भी क्या? कैश रिसीव। और इस साइड आएगा कैश पेड, किसी को भी करें, एक्स वाई जेड, चाहे फिक्स एसेट्स खरीदें चाहे कोई भी एसेट्स खरीदे, तो इस साइड कैश पेड आएगा, ठीक है? अब मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले दो तरीके के बिजनेस हो सकते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल लेके चल रहा हूं। दो तरीके के बिजनेस हो सकते हैं, एक हो सकता है न्यू बिजनेस और एक हो सकता है ओल्ड बिजनेस, है ना? दो बिजनेस हो सकता है, एक न्यू बिजनेस, ओल्ड बिजनेस। जब न्यू बिजनेस होगा, मान लेते हैं ये न्यू बिजनेस है, अगर कोई न्यू बिजनेस होगा तो क्या शुरू में उसके पास कैश होगा? शुरू में स्टार्टिंग में कोई कैश होगा कि नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि आज बिजनेस से शुरू किया है तो मेरे पास कोई, मेरे ड्रॉअर में पहले से कैश पड़ा होगा, मैंने कोई बिजनेस बनाया है तो काउंटर लगाया है, न्यू न्यू काउंटर है तो काउंटर
कहां से आएगा मेरे ड्रॉअर में, मेरे कैश काउंटर में, मेरे गल्ले में कहां से पैसा आएगा, ये सोचिए आप बात को, नहीं होगा। तो न्यू बिजनेस जब होता है हमारा, तो न्यू बिजनेस में नो कैश एट ओपनिंग। अब सर ये ओपनिंग क्या है, देखिए साल या मंथ जो भी मानिए, अगर मैं साल की बात करूं तो 1 अप्रैल भी हो सकता है जैसे 2019, और एंड जो होगा 31/3/2020। अगर मैं मंथ की बात करूं तो 1 जैन और 31 जैन ये रहेगा। तो इस डेट पे जो मेरे पास बैलेंस है बचा हुआ, जो इस डेट पे मेरे पास बैलेंस है स्टार्टिंग वाली डेट पे, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, इसको बोला जाता है ओपनिंग बैलेंस। और कौन सा बैलेंस है ओपनिंग, वो भी बचा हुआ। ठीक है, आप ऐसे समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ का, सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए मैं फ्रूट सेलर हूं, आज जो भी डेट है, मान लीजिए मैं फ्रूट सेलर हूं और मैंने 10 तारीख को, मैंने अपना काम 10 तारीख को, 10 सितंबर को मैंने अपना काम स्टार्ट किया। ठीक है, वैसे 10 सितंबर है नहीं, मैंने मान लिया 10 सितंबर को काम स्टार्ट किया। मैंने 1000 किलो एप्पल खरीदे, 1000 केजी मैंने क्या खरीदे, एप्पल खरीदे, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, और 10 तारीख को 1000 किलो जब मैंने एप्पल खरीदे तो मैं इस एप्पल को बेच नहीं पाया, सिर्फ मैं बेच पाए कितने, 500 किलो। और मेरे पास 10 तारीख को रात में कितना गया, 500 किलो एप्पल मेरे पास बच गया। तो जो ये मैंने खरीदा है इसको तो बोलेंगे परचेज, और जो मेरे पास बच गया ना इसको बोलूंगा क्लोजिंग, क्योंकि रात में बचा है। अब नेक्स्ट डे जब 11 तारीख को आएंगे, 11 तारीख को मैं आया, मैंने दुकान खोला, तो मेरी दुकान में पहले से स्टॉक पड़ा होगा। 11 तारीख को बताओ मेरी दुकान में कितने स्टॉक पड़े होंगे, बताइए 11 तारीख को कितने स्टॉक पड़े होंगे। जवाब है सर, 11 तारीख को आपका जो 500 बच गया है ना, वो 11 तारीख को यूज तो करोगे, तो 11 तारीख को यही 500 होगा। तो नाउ 11 तारीख को इसी क्लोजिंग बैलेंस को मैं नाम दूंगा ओपनिंग बैलेंस, इसी को नाम दूंगा ओपनिंग बैलेंस, समझिए बात को आप। ठीक है, तो एक होता है ओपनिंग बैलेंस, एक होता है क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, साल के जो स्टार्टिंग में है उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, जो साल के एंड में हो जाता है उसे क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या पॉसिबल था, अगर मैं काम स्टार्ट करता 11 तारीख को, अगर मैंने काम को ही स्टार्ट किया 11 तारीख को, तो क्या ओपनिंग बैलेंस पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि शुरू में कोई पिछले बार का कोई माल ही नहीं बचा होगा। क्योंकि ये देखो ना, ये कैसे आया, पिछले डेट का माल बचा था, तो अगले डेट पे मैं ओपनिंग बोलूंगा, और पिछले डेट पे जो होगा वो क्या होगा, क्लोजिंग, और अगले डेट पे ओपनिंग। तो सेम इस डेट पे अगर कोई माल है मेरे पास तो इसको बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस, और इस डेट पे जो होगा वो होगा क्लोजिंग बैलेंस। इस डेट के बाद भी एक डेट आएगा ना अगले साल का, 1/4/2020, मान लेते हैं यहां 100 रुपए का बैलेंस था ओपनिंग, और यहां पे क्लोजिंग 200। आप बताइए मुझे इस डेट पे कितना ओपनिंग बैलेंस होगा। तो जवाब है सर, जो ये क्लोजिंग बैलेंस है यही 200 रुपए, इस डेट पे कौन सा बैलेंस होगा हमारा, ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा। इस बात को समझिए, तो न्यू बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ओल्ड बिजनेस में हमेशा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मैं ओपनिंग को ओपी लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, साल के शुरू का बैलेंस। अगर न्यू बिजनेस है तो साल के शुरू में बैलेंस नहीं होगा, और अगर ओल्ड है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने तो यहां पे आपको फ्रूट का एग्जांपल लिया, अब कैश की बात करते हैं। मान लो आज मैंने दुकानदारी करी, तो आपको पता होगा कि दुकानदारी के अंदर लास्ट लास्ट में हम कुछ खुले पैसे छोड़ के जाते हैं। रीजन, कल सुबह सुबह जब हम आएंगे तो कोई कस्टमर अगर 500 का नोट या 200 का नोट या 100 का नोट लेके आ जाता है तो उसको हम कैसे चेंज देंगे, है ना। पहले ग्राहक को तो मैं ये बोल नहीं सकता कि भाई एक काम करो खुले नहीं है जाओ। पहले ग्राहक को हम एकदम से, देखा होगा आपने पैसे आए और पैसे को हमने क्या करा, गले में हर जगह दिखाया, बोहनी बोलते हैं उसे, स्टार्टिंग का बोहनी हुई है सुबह सुबह,
समझे बात को, तो उसको खुले हमें रख के जाते हैं। तो आज रात को ना जो मैंने व्यापार किया, आज रात तक जो मैंने बिजनेस किया, तो रात को जो मैंने पैसे खुले छोड़ के गया हूं मैं अपने गले में, अपने ड्रॉर में, अपने कैश काउंटर में, वो है क्लोजिंग बैलेंस। और कल सुबह सुबह उसके अंदर पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग। यानी आज का बाकी कल का नया हो जाता है ओपनिंग। ठीक है सर, ओपनिंग बैलेंसेस ये होता है क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में? मैंने बोला ना नए वाले में नहीं होगा, क्योंकि नया अभी तो शुरू किया है हमने, आज होगा क्लोजिंग। तो सबसे पहले जो पहली तारीख को, पहली पहली डेट सुबह सुबह में, जैसे मैंने मान लो जनवरी महीने का बना रहा हूं, तो एक 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 को मैं यहां पे लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाता है बैलेंस, बैलेंस बीडी के नाम से, ध्यान रखिएगा, बैलेंस बीडी के नाम से। बैलेंस बीडी का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, शुरू का बैलेंस, साल के, मंथ के, दिन के शुरू का बैलेंस, क्रॉस लगा दिया यहां पे लिख देंगे। या चलिए मैं आपके लिए साथ के साथ ना एग्जाम्पल भी लेते जाता हूं ताकि आपको समस्या ना हो। मैंने लिखा एक एक 2000, 1 जनवरी लिख देता हूं, 2020 की ट्रांजेक्शन कर रहा हूं मैं सारी, और मैंने आपके लिखिया लिखा एक एक कैश इन हैंड। इसको किससे बोलेंगे, कैश इन हैंड, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 2000 रुपए। क्या आपको 2000 विजुअल है, ये एक बार चेक करिए आप जी। ठीक है, 2000 रुपए। अब मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा, टू बैलेंस बीडी, और यहां लिखूंगा 2000। ये लो पहली एंट्री डन। अब मुझे बताइए इधर प्लस होगा, मैं लिखूं अगर 2 तारीख को, आप मुझे जवाब देना, 2-1 को मैं अगर 2-1 को लिखूं कि मैंने गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड किया ऑन कैश 4000। तो जब हम सामान को बेचेंगे तो बेचने के बाद हमें पैसे मिलेगा या हम पैसे देंगे या पैसे का कोई काम ही नहीं है? सबसे पहले चेक करो ये नगद में सामान बेचा गया है, तो बेचेंगे तो मेरे पास पैसे रिसीव होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब जब पैसा रिसीव होगा इस तरफ आएगा, और जब जब पेमेंट होगा वो इस तरफ आएगा। कुछ एग्जाम्पल मुझे जवाब देना, सोचना। जैसे मैंने बोला कैश सोल्ड, तो पैसा आएगा, तो मैंने 2 तारीख को एंट्री किया एक टू सेल्स अकाउंट। अकाउंट लगाना चाहते हो वेल एंड गुड, नहीं लगाना चाहते हो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब मुझे बताइएगा 3 तारीख की एंट्री करने जा रहा हूं, फर्नीचर परचेज, ₹6000। 6000 का मैंने फर्नीचर खरीदा है, बताइए इसमें पैसा रिसीव होगा या पैसा देंगे? पेमेंट है हमारे पास से, पैसे जाएगा या आएगा? बड़ा ही सिंपल सर, अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो पैसे दे के आएंगे, पैसे दे के आएंगे तो मतलब पैसा क्या होगा हमारा, जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, तो किधर आना चाहिए, पैसा जब जाएगा तो बाय साइड में आना चाहिए। कितनी तारीख की एंट्री है, 3-1 की है, और बाय साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर, फर्नीचर 6000 रुपए। ठीक है, 4 तारीख की एंट्री, रेंट पेड, पेड 100 रुपए। अब बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में, रेंट पेड क्या होगा? सही जवाब, रेंट पेड करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा, और जब पैसे जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए बेनिफिट है, कैश, सॉरी, पैसा जाएगा तो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिट होगा बिजनेस के लिए, क्योंकि पैसे जा रहा है हमारे पास से। तो 4 तारीख को, 4-1 को बाय रेंट, है ना, बाय रेंट। अकाउंट लगाना चाहते हैं लगाइए, नहीं तो मैंने बताया आपकी इच्छा है। अब बिल्कुल ध्यान देना, मैंने लिखा गुड्स परचेज फ्रॉम राजा,
ध्यान से जवाब देना मुझे। 1,000 रुपए। अब बताओ, मैंने सामान खरीदा है, पैसा आएगा या पैसा जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं जब सामान खरीदेंगे तो पैसे जाएगा, बहुत अच्छे बच्चे। अब भूल गए कि यहां पे नाम आ गया सिर्फ, और जब सिर्फ नाम आता है तो इसका मतलब क्या होता है? कि आपने जो सामान खरीदारी करी है, चाहे बेचा है, वो उधार में है। क्या इसमें कैश का ट्रांजेक्शन है? नहीं है। तो इसके लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है? नोट देना पड़ता है। नोट नोट देंगे 5 एक के, ऑन डेटेड 5-1 गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जो 5-1 का सामान है वो मैंने उधार खरीदा है, दैट्स वाई नो नीड टू एंट्री इन कैश बुक। ये आपको एग्जामिनर को समझाना है कि क्यों नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपको समझ आ गया, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हो ये वर्ड भी समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 5 के बाद हम आ जाते हैं 6 तारीख को, 6 को। अब बताइएगा, फर्नीचर सोल्ड ₹10,000। मैंने ₹10,000 का फर्नीचर सोल्ड कर दिया। अब बताइए पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे? 10,000 का फर्नीचर सोल्ड किया, तो सबसे पहले देखो आपने कैश में सोल्ड किया या क्रेडिट पे। तो जवाब है सर, इसको तो कैश में बेचा है क्योंकि नाम नहीं है। तो कैश में जब बेचा है तो पैसे क्या होगा? रिसीव होगा। तो इस सिचुएशन में 6 तारीख की एंट्री, टू सेल्स जरूर किया लेकिन एसेट्स बेचा है, इसलिए उसका एसेट्स का नाम आएगा फर्नीचर, और फर्नीचर में आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, फर्नीचर में आ जाएगा 10,000। इसके साथ साथ अगली एंट्री 7 तारीख की, क्योंकि हम सिंगल कॉलम कर रहे हैं तो बैंक वाला ट्रांजेक्शन भी अगर कोई होगा तो उसे नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो 7-1 को मैंने लिखा, सपोज करो गुड्स परचेज रुपीज 10,000 बाय चेक। इसका मतलब हुआ मैंने सामान खरीदा है, देखो पैसे तो दिए हैं लेकिन चेक में दिया है। हम कर रहे हैं कैश बुक का कौन सा कॉलम? सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम में सिर्फ नगद रोकड़, सिर्फ पैसे का हिसाब किताब रखा जाता है, चेक का नहीं रिकॉर्ड होगा यहां पे। तो इसकी भी एंट्री क्या करेंगे? इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से नहीं किया जाएगा। इसके लिए भी नोट दोगे, नोट दोगे ऑन डेटेड 7-1 गुड्स परचेज बाय चेक, दैट्स वाई नो नीड टू एंट्री इन द कैश बुक। समझ में आया बात? लिख देता हूं, नोट नंबर 2 ऑन डेटेड कौन सी तारीख को? 7-1 गुड्स परचेज ₹10,000 बाय चेक एंड वी प्रिपेयर सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक, दैट्स व्हाई नो नीड टू रिकॉर्ड, नो नीड टू रिकॉर्ड। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल सर, 8 तारीख की मैंने बोला कैश रिसीव, कैश रिसीव फ्रॉम राजा 3,000। राजा से मुझे 3,000 मिले। अब बताइए 8 तारीख को राजा से मुझे 3,000 मिला है तो कहाँ लिखना चाहिए? सोचिए, डेबिट में लिखना चाहिए पैसे मिला है या क्रेडिट में? तो जवाब होना चाहिए सर डेबिट में, डेबिट में। तो 8-1 को 2
राजा, राजा से मिला है ना, तो राजा का नाम, और राजा से कितने मिले? 3,000 रुपये। ठीक है, 9 तारीख की एंट्री मैंने लिखा, मैंने लिखा सैलरी पेड ₹100, 100 की जगह पे हम 400 कर देते हैं, 400 रुपए का मैंने सैलरी पेड किया है। अब बताइए कहाँ जाएगा, सोचो, घबराओ मत, सोचो। अगर हमने सैलरी पेड किया है तो सैलरी पेड किया है, किया है, किया है, तो पैसे मैं दूंगा स्टाफ को, क्योंकि मैं तो मालिक हूं। जब दूंगा तो मेरे पास से पैसे जाएंगे, तो किधर लिखना पड़ेगा? बाय साइड, यानी क्रेडिट साइड। 9 तारीख को बाय सैलरी, सैलरी 400 रुपये। अभी मैं विदाउट जीएसटी कर रहा हूँ, फिर मैं जीएसटी वाला भी कर दूंगा। जीएसटी वाला सबसे लास्ट में मैं इकट्ठे में करूंगा, डबल कॉलम के अंदर कर दूंगा, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, 10 तारीख को 10-1, 10-1 को 10-1 लिखते हैं इंटरेस्ट, ड्यू बट नॉट पेड 3,000। चैलेंज है ये आपको, चैलेंज है ये आपको, बताइए जल्दी जल्दी। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, एंट्री करेंगे तो किधर करेंगे या नहीं करेंगे, सोचिए। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इसका मतलब क्या होता है? ब्याज बाकी तो है लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया गया है, देना बाकी है, तो पैसे तो मैंने दिए ही नहीं, तो एंट्री क्या होगा? एंट्री नहीं होगा। जिन बच्चों ने कमेंट में जवाब दिया उन सब के लिए तालियां, उन सब का आंसर ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए तालियां। ठीक है, 11 तारीख। सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, सब आएगा समझ में। मैंने बोला, मैंने बोला ड्राइंग, ड्राइंग या कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यूज रुपीस 600 रुपए, 600 रुपए का मैंने कैश विड्रॉन किया है। तो विड्रॉन किया है तो आप मालिक के लिए ये अकाउंटिंग कर रहे हो, थर्ड चैप्टर में देखा था ना, या फिर ऑनर के लिए? तो आंसर ऑनर। तो मालिक बिजनेस से पैसे निकाल के जा रहा है, तो यानी बिजनेस का कैश कम हो रहा है हमारा, है ना? हमारे बिजनेस का कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम 11 तारीख वाली एंट्री बाय साइड में करेंगे, बाय बाय कैश, कैश नहीं, पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है ये, तो ड्रॉइंग होगा। तो क्या होगा हमारा? ड्रॉइंग कितने रुपए? 600 रुपए। ठीक है, 12 एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस रुपीस 10,000, 10,000 का और व्यापार में कैपिटल लगाया गया, तो 10,000 का कैपिटल लगाएंगे बिजनेस में, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब मैं पैसे लगाऊंगा तो पैसे इसमें आएगा। तारीख कौन सी है ये? 11 तारीख, 11 क्या लिख दिया मैंने यहां, 2, 11, 1 ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, 11, 1। तो टू कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल है ना, और अमाउंट आ गया हमारा 10,000। ठीक है जी, 12 तारीख का, 12-1, 12-1 का कैश रिसीव्ड ₹1,000 फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड
₹100। अब मोहन से मुझे पैसे मिले हैं, वो मिले हैं 1,000, और मैंने उसको ₹100 का डिस्काउंट भी दिया। तो हमेशा याद रखना, पहले हुआ करता था आपके सिलेबस में 3 कॉलम कैशबुक में, जिसमें डिस्काउंट कॉलम भी था। अब डिस्काउंट कॉलम हमारे सिलेबस से हट गया है, तो अल्टीमेटली चेक करो तो आपको पैसा मिला है वो 1,000। डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो डिस्काउंट का हमें एंट्री कहाँ करना पड़ेगा? कहीं नहीं करना पड़ेगा, ये किसी काम का नहीं है, ये एंट्री किसी काम का नहीं है, ये वाला पॉइंट सिर्फ। लेकिन हमें कैश तो मिला है, तो हम तो एंट्री करेंगे कैश रिसीव का। देखिए कैसे करेंगे, सिर्फ हम कैश रिसीव का करेंगे। टू मोहन, मोहन कितने रुपए? 1,000 रुपए। ठीक है, टू मोहन 1,000 रुपए। चलिए, और कुछ नहीं, बस इतनी एंट्री करते हैं। आपने नोट करना है, अभी पहले देखिए इसका, मैंने बताया था डबल लाइन का कॉन्सेप्ट, ये डबल लाइन खींचा, कितना मजा आ रहा है मुझे। टोटल करते हैं, जिधर का साइड टोटल ज्यादा उधर, तो मुझे तो इधर ही ज्यादा लग रहा है। तो 2,000, 4, 6,000, 10, 16,000, 3, 19, 19 और 10, 29 और 1, 30,000 रुपये। सुंदर सुंदर एकदम राइटिंग में लिखा 30,000, और यहां भी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा 30,000। कितना मजा आ रहा है आज। अब जो हम डेट डालेंगे ना, अगर मंथली कैश बुक है तो मंथ का एंड डालना है, जैसे 31/1/20। अगर ईयरली है तो साल का एंड डालना है, और जो बच गया उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन। अब माइनस करते हैं, 6, 4, 10 और 6,000 और 1,000, 7,000, 7,100 माइनस करना है इसमें से। 7,100 माइनस करेंगे तो 22,900। ये लो जी, ये क्या आ गया? बैलेंस सीडी। इसके आगे याददाश्त के लिए कि हमने ये आंसर निकाला है, बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। सीडी का मतलब क्या होता है बच्चे? कैरी डाउन, मतलब आगे वाले साल में ले जाना है। कैरी का मतलब क्या होता है? आगे करना, तो ये आगे जाएगा, यानी फरवरी के महीने में इस्तेमाल होगा। बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, पीछे से आया है, तो जनवरी का बना रहे हैं तो आया पता कहाँ से होगा? ये दिसंबर से। और लास्ट में हम फरवरी में ले ही जा रहे हैं, तो फरवरी की डेट का हम बैलेंस बीडी बना देंगे। बैलेंस बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउन, पूरा नहीं लिखना आपने ब्रॉड डाउन, कहीं होशियार बनने लग जाओ आप। 900, चलिए ठीक है। ये आपके सामने मैंने पूरा क्वेश्चन रखा है, आप अच्छे से इसको नोट करिए। उसके बाद फिर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और भी लूंगा, पहले इसे आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। फटाफट से नोट करिए, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी नोट करिए, सुंदर सुंदर नोट होना चाहिए, और होमवर्क मेरे पास आना चाहिए व्हाट्सएप से। सुन रहे हो बात को? होमवर्क आना चाहिए और सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट होना चाहिए। कर लिया नोट सर? कर रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो को तो पॉज करके भी कर सकते हो, टाइम ज्यादा नहीं लेना। आप मुझे बताइए, कुछ एंट्री पूछता हूं, आप जवाब देना। मेरे सामने दो है, इधर और इधर, ठीक है? मैं दो चीजें पूछूंगा, मैं बीच में खड़ा हो गया। रेंट मुझे मिला, रेंट रिसीव किधर जाएगा? इस साइड रिसीव है। इसके बाद रेंट पेड किया किस साइड जाएगा? इस साइड पेमेंट है। इसके बाद कमीशन रिसीव किया किस साइड जाएगा? इस साइड। डिस्काउंट रिसीव किया, बताओ? नहीं आएगा, डिस्काउंट का कोई जगह नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हमने बात किया डिस्काउंट रिसीव के बाद, मान लेते हैं कि परचेज किया उधार पे, क्रेडिट पे, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम लाल, कहाँ जाएगा? नहीं करना एंट्री। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम लाल ऑन कैश, कैश में खरीदा है, तो इधर जाएगा, पेमेंट करेंगे।
परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम लाल बाय चेक, चेक से खरीदा है, तो जी सिंगल कॉलम में चेक का कोई जगह नहीं है तो यहां पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद चलो बताओ, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो याद करो जैसे कि मेरा मान लो मार्कर है, ये फिक्स एसेट्स मान लेते हैं, मार्कर है कितने का है मेरा मार्कर, ये 10 रुपए का, आज बेचूंगा तो बिकेगा 6 रुपए का, तो 4 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या ये डेप्रिसिएशन 4 रुपए मैं किसी को दे के आऊंगा क्या, लो जी 4 रुपए मेरे मार्कर पे डेप्रिसिएशन, नहीं दूंगा, तो ये नॉन कैश आइटम है तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो फटाफट से आप नोट लिखिएगा, इसके बाद नोट लिखवा देता हूं मैं, क्या क्या चीजें कैश बुक में इंक्लूड नहीं किया जाता, ये मैं मिटा दूं, ये मिटा दूं, ये नोट आप अच्छे से नोट करना, तो मैं यहीं लिख देता हूं नोट, क्वेश्चन नहीं मिटा रहा, नोट मैं यहीं लिख देता हूं, नोट नंबर वन, नोट क्रेडिट ट्रांजैक्शन नॉट पोस्ट इन द, पोस्ट का मतलब लिखना, पोस्ट इन द कैश बुक, जैसे क्या क्या हो सकता है, लाइक एग्जाम्पल गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट सर, और आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है हमारा, और क्या हो सकता है, नंबर दो डेप्रिसिएशन विल बी नॉट शो इन द कैश बुक, रीजन व्हाई, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन हम कैश बुक में नहीं लिखेंगे, इसका सबसे मेन कारण यही है कि डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश आइटम होता है, इसके लिए नोट दे दोगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, कुछ एक ट्रांजेक्शन मैं पूछता हूं, चलो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, आप बताइएगा, मैंने जो था ड्राइंग किया, मैंने 500 रुपए का सामान ड्राइंग किया और जिसका मार्केट प्राइस था 300 रुपए, मुझे जवाब पता है आप क्या दोगे, मैंने 500 रुपए का गुड्स को ड्राइंग किया, गुड्स, और जिसका मार्केट प्राइस क्या था 300 रुपए, बताओ किधर करेंगे, पहले अमाउंट कौन सा लिखेंगे, 500 या 300, सर हम मार्केट प्राइस इग्नोर करते हैं, हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, शाबाश, बिल्कुल गलत जवाब भाई, जब सामान निकालेंगे तो पैसा थोड़ी निकला है, मैंने बोला था कैश में ट्रांजेक्शन हो, यहां पे जब सामान निकाला है तो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करी जाएगी, ये ध्यान रखना। तो सेम थर्ड पॉइंट, गुड्स यूज जो होगा उसकी भी एंट्री नहीं करेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये लाइव क्लास है आपकी, और आगे फ्यूचर में भी मैं सारी लाइव क्लास लूंगा, 12th वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल मैं लेके आऊंगा, रात के 9 बजे का या 8:30 बजे का एक प्लान करूंगा, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, आप लाइव आइए, क्वेरी पूछ सकते हैं 9 o'clock पे, और आपको लाइव वीडियो दिखाई जाएगी, जिसके अंदर मैं फर्स्ट पार्ट नहीं, अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है स्कूल में भी, मैं कंपनी अकाउंट स्टार्ट करूंगा, आप पढ़िए और उसको एंजॉय करिए, ठीक है। 12th वाले बच्चों के लिए ये खुशखबरी है, 11th वाले बच्चों के लिए मैं लाइव क्लास तो दे ही रहा हूँ, जो पेड कोर्स में है उनके मैं डाउट भी लेता हूँ, और डाउट लेने के साथ साथ उनके क्वेरी भी सॉल्व करूंगा, और जो लाइव में आते हैं तो उनको मैं डाउट ले नहीं पाता, क्योंकि काफी बच्चे आते हैं, तो शिक्षाधाम.in पे पेड कोर्स है, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप जुड़े रहिए मेरे साथ, थैंक यू सो मच, कोई भी डाउट होता है फोन नंबर दे रखा है आप पूछ भी सकते हैं, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अच्छे से रहिए, अच्छे हेल्दी रहिए, ख्याल रखिए अपने और अपने मम्मी पापा का, थैंक यू सो मच, बाय बाय।